होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहाँ मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो, और मैली कुचैली बीवियों को पाके अल्लाह को भूल जाते। वो बीवी जो सारी अपनी जिंदगी खपा देती है, अपना शरीर खपा देती है, तुम्हारे बच्चे पालती है, वो कहती है वो मैली कुचैली है। ये औरतों के लिए रिस्पेक्ट है। इससे पहले पाकिस्तान का मतलब क्या है बता सकती हो मुझे? जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहा है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहा है, वो पाकिस्तानी हो गया। ये तो अरबी भी बोलते हैं, तो अब वो अरबी नहीं रह गए, वो तो पाकिस्तानी हो गए तुम्हारे हिसाब से। ये तो बेचारे तुर्की भी बोलते हैं, वो तुर्की नहीं रह गए, वो पाकिस्तानी हो गए। इंडियन वाले भी बोलते तो वो इंडियन नहीं रह गए, पाकिस्तानी हो गए। ऐसा डेफिनेशन क्यों दे रहे हो यार, जिसकी की कोई एप्लीकेशनल वैल्यू नहीं है। कब से ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब पाकिस्तानी हो गया? ये तो ब्लास्फेमी है। आप अपनी हर आइडेंटिटी को मिटाना चाहते हो। आप हिंदुओं का मंदिर नहीं तोड़ दो, आप अपनी आइडेंटिटी के जड़ों को खोद रहे हो। और जब ये सब जड़ें मिट जाएंगी, हिंदू नहीं मिटेंगे, आप मिट जाओगे। कोई पूछने वाला नहीं होगा आपको, ना अरब न चाइना। भाई आपको इतने पैसे की जरूरत थी ना, इतना पैसे की जरूरत थी, 57 मुस्लिम ममालिक हैं, एक ने दिया आपको 1 रुपए। आपका पासपोर्ट दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट है, क्यों? क्योंकि आपको लोग अपने घरों में घुसने नहीं देते। जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो भी आपको वीजा नहीं देते, आपको पता है? क्योंकि बोलने की इतनी आजादी है कि हमारे बारे में कोई बोले तो हम जरा सा भी सेंसिटिव हो जाएंगे और लोगों के लिए जान ले लेंगे। लेकिन हम जिसको जो चाहें वो बोले, और हम जो थ्योरी दे दें, चूंकि हम कह रहे हैं तो मान लो सच है, टू नेशन थ्योरी सच है। किसके लिए सच है टू नेशन थ्योरी? हर मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता। सऊदी अरेबिया, सॉरी यूएई के जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, हिंदू वहां पे हैं, वो तो नहीं कह रहे। मोदी का यार है वो गद्दार है, ये पाकिस्तान में है कि सारी दुनिया में है या मुसलमान वर्ल्ड के लिए? हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन हो गया है मुस्लिम रिलीजन के अंदर। इन तमाम खबरों को जो माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज के दरमियान है और दोनों कंट्रीज के दरमियान इख्तलाफ बढ़ा रही है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखो मैं भी ऐसा है यार कि आई हैव नेवर सीन अ सोसाइटी, मैंने आज तक ऐसी समाज नहीं देखा जो मानसिक रूप से इतना दिवालियापन है जितना पाकिस्तान है। उसका कारण क्या है? मैं ये हार्ड वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? ये बेटा पढ़ने लिखना में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये चीजों को ना सीखना चाहते हैं ना ये समझना चाहते हैं। अरबी होना और मुसलमान होना क्या एक चीज है? तुर्की होना और क्या मुसलमान होना एक चीज है? क्या तुर्क है वो सिर्फ मुसलमान है? मैं तुर्कों को जानता हूँ, मुसलमान है, बुद्धिस्ट है, कुछ तो हरे कृष्णा मिशन में है, कुछ अलग अलग अपना फॉलो करते हैं, कुछ एथिस्ट है। तो भैया नेशनैलिटी, नेशनहुड, सिविलाइजेशनल चीज अलग है। जो लड़कियों को ये कह रहे हैं कि तुम जिस बच्चियों को ये कन्वर्ट करके उसको मुसलमान से हिंदू बना, हिंदू से मुसलमान बना देते हैं, उनसे ये पूछो कि मुसलमान बनने का मतलब क्या होता है? अगर सिर्फ अकीदा हो जाए कि भाई सिर्फ कलमा पढ़ लिया उसे मुसलमान अगर हो जाता है आदमी, तो फिर इंडिया के लोगों ने शरिया लॉ की मांग क्यों कर रखी है? और अगर बिना शरई लॉ के हुए कोई मुसलमान नहीं होता, तो फिर पाकिस्तान ने ये इलेक्शन क्यों करवा रखे हैं? ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट्री असेंबलीज क्यों बनाई है? इनको बंद कर दो। क्योंकि किस इस्लामिक स्टेट में, किस मुस्लिम ममालिक में, जो खासकर अरबिक में सोसाइटी की बात करूँ, इलेक्शन कहाँ मिलता है आपको? सऊदी अरेबिया में इलेक्शन है, कतर में है, बहरीन में है, यूएई में है, कहाँ मिलता है? हिंदू का मतलब क्या होता है? भारत की भूमि पर रहने वाला भारतीय, हिंदुस्तान की भूमि पर रहने वाला हिंदुस्तानी, पाकिस्तान की भूमि पर रहने वाला पाकिस्तानी। अब आपके यहाँ की प्रॉब्लम यह है कि ये लोग ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना सोचते हैं बोलने से पहले। पाकिस्तान का मतलब क्या है बता सकती हो मुझे? ला इलाहा इल्लल्लाह। सो जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहा है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहा है, वो पाकिस्तानी हो गया। ये तो अरबी भी बोलते हैं, तो अब वो अरबी नहीं रह गए, वो तो पाकिस्तानी हो गए तुम्हारे हिसाब से। ये तो बेचारे तुर्की भी बोलते हैं, वो तुर्की नहीं रह गए, वो पाकिस्तानी हो गए। इंडियन वाले भी बोलते तो वो इंडियन नहीं रह गए, पाकिस्तानी हो गए। ऐसा डेफिनेशन क्यों दे रहे हो यार, जिसकी की कोई एप्लीकेशनल वैल्यू नहीं है? कब से ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब पाकिस्तानी हो गया? ये तो ब्लास्फेमी है, इससे बड़ी कोई वो बात नहीं हो सकती। क्योंकि भाई अल्लामिया ये कह रहे हैं कि आप हम पे भरोसा करो और हमारे दीन को फॉलो करो।
तो ये लोग जो है मुसलमान को हिंदू बना देते हैं, लेकिन उसको रखते हिंदू ही हैं। तुम सब अभी भी इंडियन लाइफ ही जी रही हो, क्योंकि तुम्हारा कल्चर अभी भी इंडियन है, तुम्हारा अभी डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रही हो। क्या बदल गया है हमें ये बता दो, सिवाय इसके कि यू हैव क्रिएटेड अ नॉनसेंस काइंड ऑफ अ स्टेट, जहां पे लोगों के पढ़ने लिखने पे पाबंदी बना दी है, लोगों को सोचने ही नहीं दे रहे हो तुम लोग। उनको सांस तो लेने दो भाई, उनको सोने दो, उनको पढ़ने दो, उनको लिखने दो, बच्चों को बोलने दो। तो मैं इसको क्या कहूं कि अब ये मंदिर तोड़ना, ये किसी की इबादतगाह को तोड़ देना, अरबी अपने यहाँ पे मंदिर बना रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं। चले अरबी ना भी बनाए, वो अरबियों का कल्चर तो नहीं है। तुर्कों को आप तो तुर्कों को अपना वो मानते हो कि आप तुर्कों के वंशज हो, ज्यादातर लोग पाकिस्तान में अपना सरनेम मुगल लिखते हैं। तो अगर आप मुगलों के वंशज हो तो जाके जरा जहां से मुगल आए हैं वहां देखो, वहां क्या अप्रोच है वो लाइफ के लिए, वो कैसे इस्लाम को ले रहे हैं जैसे वो ले रहे, वही वही रास्ता अपनाओ ना। उन्होंने क्या अपनी हिस्ट्री को आग लगा दी है? वो मानते हैं कि भाई हम 1000 साल पहले कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन हमारी हिस्ट्री ये है, हम तो नोमैड पीपल थे, वो सेलिब्रेट करते हैं। क्या आपको पाकिस्तानी बनने के लिए लोहड़ी का बंद करना आवश्यक है? क्या आपको पाकिस्तानी बंद करने के लिए पतंग उड़ाने पर पाबंदी लगानी आवश्यक है? क्या आपको पाकिस्तानी बनने के लिए जो पंजाबी लैंग्वेज पे पाबंदी लगाना आवश्यक है? ये सब का जवाब दीजिए। नहीं तो फिर जब तक आप स्वयं से नफरत करते हो ना, आप आपसे क्या कहा जाए? आपके तो ये हिंदू का है भाई, लाहौर में कोई मंदिर बना है या कराची में कोई मंदिर बना है तो मेरे पापा ने तो नहीं बनाया होगा, वहां के कराची के ही लोग बनाए होंगे ना, वही लोग बाद में कन्वर्ट हुए ना, तो वो अपनी हिस्ट्री को नहीं संजो के रखना चाहते, हम क्या करें? जिनको ये कन्वर्ट कर रहे हैं ये इन्हीं के परिवार के लोग हैं ना, क्योंकि वो भी सिंधी है, ये भी सिंधी है। मैंने तो तुर्कों में ये ऑब्सेशन नहीं देखना कि ये नहीं देखा है तुर्कों में ऑब्सेशन कि सारे तुर्कों को मुसलमान बना दो। तो भाई तुर्क तो ना तो उर्दू यूज करते हैं, ना तो अरबिक स्क्रिप्ट यूज करते, वो तो यूरोपियन स्क्रिप्ट यूज करते हैं, आप क्यों नहीं करते हो भगवान जाने? आपके यहाँ पे तो आपके पुरखों ने आपको इतने पहले ही इतनी स्क्रिप्ट दे रखी है, लेकिन आप अपनी स्क्रिप्ट नहीं यूज करते। हिंदी को लिखने के लिए आप अरबिक स्क्रिप्ट यूज करते हो। ऐसी ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी आपने कि आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो। एक दो आपको क्या लोगों को लगता है इन इतनी कंफ्यूजन के पीछे वजह क्या है, और अब इस टाइम पे इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है यूथ के लिए? बेटा इसका नहीं पता क्या बता। अब मैं कल ना आपसे बताऊं, एक वीडियो आया मेरे पास, उसमें एक मौलाना साहब, मौलाना उकराम साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, सारे मौलानाओं की, बहुत पढ़े लिखे आलिम लोग होते हैं, अव्वल दर्जे के आलिम लोग होते हैं। तो वो मौलाना साहब किसी हूर की व्याख्या दे रहे थे कि जन्नत की हूर कैसी होगी। ठीक है, बढ़िया है, कोई बुराई नहीं है, बताइए, रिलीजियस चीज है, बताना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। मगर वो व्याख्या देते देते क्या बोल रहे हैं कि तुम ये अपनी मैली कुचैली बीवियों के पीछे पागल हो, और जो दो तीन उन्होंने गालियों का लफ्ज उपयोग किया वो मैं बोल नहीं सकता। तो अब हर मुसलमान, वो तो मुसलमानों से पाकिस्तानी में बात कर रहे थे, कौन है वो मैली कुचैली औरतें? आप कुछ भी बोलना है, सोचना नहीं है, सारी मतलब आप तो इस्लामिक औरतों की बात कर रहे हो क्योंकि पाकिस्तान में भाषण दे रहे हो, तो उनके हिसाब से औरत जो है वो मैली कुचैली है। आप बोले तो मैं भी सुना दूं आपको, ये उनका एक्सप्लेनेशन है। आप अगर उनको आप सुने, और आज दोनों वो पाकिस्तानी हुए हैं वो महोदय, तो अब आप बोलिए कि इसको कैसे, ये जब तक आप लोग सही नहीं पढ़ेंगे, आपके यहाँ थिंकर्स चाहिए, फिलोसोफर्स चाहिए, जो आपको चीजें समझाएं कि भैया ऐसे नहीं चलेगी चीजें, आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको सुनवा देता हूं कि भैया देखिए कैसे वो मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं महिलाओं के लिए। और अल्लाह अज़्ज़ोजल से निराश करते हो, देखो तुम्हारे मालिक, सुनिए मैं इधर कर देता हूँ ताकि कॉपीराइट का चक्कर ना हो, सिर्फ साउंड ही रहे। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तذکرہ, तुम यहाँ मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो, और मैली कुचैली बीवियों को पाके अल्लाह को भूल जाते। वो बीवी जो सारी अपनी जिंदगी खपा देती है, अपना शरीर खपा देती है, तुम्हारे बच्चे पालती है, वो कहती है वो मैली कुचैली है। ये औरतों के लिए रिस्पेक्ट है। और सुनिए, सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना, कहते हो माजी हो गए, इश्क हो गया, सड़ी गली औरतों के ऊपर
तुम वो फेंकते हो दिल। कॉलेज में जाएंगे, दो बच्चे यंग हैं, तो कुदरत का निजाम है कि भाई वो तो जब एक लड़का एक लड़की मिलेंगे 18 19 साल 20 साल के, वो प्यार हो गई उनको, ये कुदरत है। वो कह रहे हैं तुम सड़ी गली औरतों पे। हो गया, मैं लब करता हूँ। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों खुजड़ों खसरों तवायफों की तस्वीरें हो। इससे ज्यादा कि मेरे पास क्षमता नहीं है क्या क्या वो बोल रहे हैं। ये ज्ञान है सर आप। यही बात है ना, यही बात है ना कि अब होली बुक तो कोई भी हो, कोई भी रिलीजन हो, वो ये बात होली तो नहीं, मतलब होली बुक तो नहीं कह सकती। ना ही कोई भी गॉड, कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम सबसे ऊपर मानते हैं, वो तो आके ये नहीं कह सकते ना। ये तो इंसानों का अपने बनाए हुए पर्सपेक्टिव्स हैं कि वो एक्सप्लेन किस तरह मैं तो होली करें। बुक के बारे में, बेटा ये बात काट देना, मैं होली बुक के बारे में बात भी नहीं कर रहा। मैं कह एग्जैक्टली रहा मैं हूँ, यही कह रही हूँ ना, मैं तो इमेज कह रहा हूँ कितना वो उसने हूर किया की, हुआ है। इस समझो वो हूर की व्याख्या दे सकते थे। हूर ऐसी होगी, वहां पे तुमको ये मिलेगा, बड़ी चीज होती है, सुंदर होती है, खूबसूरत होती है, तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करेंगी। चलो भाई बढ़िया, सुन लिया। इसके लिए सामने वाले को गाली देना क्या आवश्यक है, और यहाँ की लड़कियों को, अपनी बीवियों को? Did you hear the expletives that he used? मतलब जब रिडिकुलस। यही यही काम, जब तुम यही काम आपके जो बाकी के स्कॉलर्स हैं, अल्लाह मियाँ या अल्लाह सुबहान तआला ने साफ साफ कहा है, किसी के झूठे खुदा को भी गाली मत दो, बुरा मत कहो, क्योंकि वो तुम्हारे सही खुदा के बारे में व्यस्त कुछ कह सकता है। क्या ये फॉलो करते हैं? दिन रात सामने वाले के भगवानों के बारे में गलत बातें, उनको मजाक उड़ाना, उनकी ये करना, ये करते रहते हैं। अल्लाह को तो ये फॉलो ही नहीं करते ना, अल्लाह को तो फॉलो ही नहीं करते। ये तो अपना इन्होंने एक वो बना रखा है कि हम जो बोले हमको कोई रोक नहीं सकता, हम जो लिख दे वो सच है, टू नेशन थ्योरी सच है। भारत का ही मुसलमान अपने ही हिंदू से मुसलमान बन गया, वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता, ये सच है। इस टू नेशन थ्योरी ने क्या रूप लिया पता है आपको? ये टू नेशन थ्योरी ने आपकी इकोनॉमिक्स को तोड़ दिया, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स कोई आइसोलेशन में नहीं होता, इकोनॉमिक्स होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो आपने रिसोर्सेस को काटा बीच में से, कंज्यूमर तोड़ दिए, पूरा सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स तोड़ दिया। फिर आपने टू नेशन थ्योरी को मेंटेन करने के लिए कहा कि हम तो ट्रेड भी नहीं कर सकते, तो हिंदू लोग हैं तो गंदे लोग हैं। टू नेशन थ्योरी के बेटे सिर्फ सोशल रेमिफिकेशन नहीं हुए, पॉलिटिकल रेमिफिकेशन नहीं हुए। टू नेशन थ्योरी हैज टेकन अ टोल ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ द पाकिस्तान, एंड द पाकिस्तान इकोनॉमिक विल नेवर रिवाइव अनलेस अंटिल यू विजिट दिस थ्योरी। क्योंकि ये टू नेशन थ्योरी को जिंदा रखने के लिए आप एक जो कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स है उसको काट देते हो। आपने कंज्यूमर तोड़ दिए, आपने मार्केट तोड़ दिया, आपने अपने वसाइल को तोड़ दिया, और आप कहते हो कि हमारा इकोनॉमिक्स कैसे चलेगा, क्योंकि एनालिटिकल एबिलिटी थी ही नहीं। क्योंकि बोलने की इतनी आजादी है कि हमारे बारे में कोई बोले तो हम जरा सा भी सेंसिटिव हो जाएंगे और लोगों के जान ले लेंगे, लेकिन हम जिसको जो चाहें वो बोले, और हम जो थ्योरी दे दें, चूंकि हम कह रहे हैं तो मान लो सच है, टू नेशन थ्योरी सच है। किसके लिए सच है टू नेशन थ्योरी? हर मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता। सऊदी अरेबिया, सॉरी, यूएई के जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं हिंदू वहां पे हैं, वो तो नहीं कह रहे। मोदी का यार है वो गद्दार है, ये पाकिस्तान में है कि सारी दुनिया में है या मुसलमान वर्ल्ड के लिए है? मोदी का जो यार है, यानी मोदी का जो फ्रेंड है, और यदि आपने न्यूज देखा होगा तो अभी शेख अल बिन जायद ने उनको फ्रेंडशिप बैंड बांधा है। आपने देखा होगा ना, अभी वो यूएई गए थे आते समय मोदी जी एक दिन के लिए फ्रांस से आने के बाद, देखा है, और उन वहां से फ्रेंडशिप बैंड बंधवाया उन्होंने। तो वो मोदी के यार हुए शेख बिन जायद। अब आपके लिए तो गद्दार है वो, आपके लिए मोदी जी गद्दार हो गए। आप कौन सा वो फॉलो कर रहे हो कि भाई उसी रिलीजन को फॉलो करने वाले शेख बिन अल नहयान जायद जो हैं वो उनको गले लगा रहे हैं, अपना भाई मान रहे हैं, अपना परिवार मान रहे हैं, अपना दोस्त मान रहे हैं, लेकिन आप उनको गालियां दिए पड़े हो? कुछ तो गड़बड़ आपके अंदर है।
क्योंकि आप चीजों को जिस तरीके से देख रहे हो दुनिया उस चीजों से नहीं देख रही है, जबकि चश्मा आपने भी वही पहना, चश्मा तो शेख अल बिन अल नयान जायद ने भी वही पहना था आपके यहां। जो आपने 40 50 70 साल जो आपको छूट मिली, जिस पे आप दुनिया को गाली देते थे, जो आपको लगता था कि ये हम रहेंगे तो हम सच ऐसा साबित कर देंगे, उसको आपने किताबों में डाला और आज वो नफरतें, आज वो नफरतें टेररिज्म का फॉर्म लेके बैठी। कहीं भी कोई भी दुनिया में नफरत वाला काम होगा, टेररिज्म वाला काम होगा, तो बेटा आपके आदमी पकड़ाए जाते हैं। अभी ग्रीस ने एक उसको पकड़ा था, किसी बंदे को, उसने कहा कि पाकिस्तानी और ये लोग जूस को मारने के लिए प्लान बना रहे थे। टू नेशन थ्योरी ने आपके इंटरनेशनल रिलेशन को खराब किया, क्योंकि आपने नफरतों को पढ़ाना ये समझा कि ये हम तो इस्लाम की खिदमत कर रहे, नहीं कर रहे थे, आपने इस्लाम को बदनाम किया। टू नेशन थ्योरी ने आपकी इकोनॉमिक्स छीन लिया आपसे, टू नेशन थ्योरी ने आपको टेररिज्म एज अ उपहार दिया, क्योंकि टू नेशन थ्योरी को बरकरार रखने के लिए किताबों में नफरत का बोया जाना जरूरी था। आप किसी भी चीज को न तो एनालाइज करते हो न सोचते हो, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटे कि आप मानते हो बस। अरे भाई रिलीजन तक मानना रखो ना, साइंस को नहीं मानते हैं, पॉलिटिकल साइंस को नहीं मानती, इनको एनालाइज करते। आपने वो सब चीजें बंद कर रखी, आप लोगों के सोचने पे कंट्रोल करना चाहते हो, बोलने पे कंट्रोल करना चाहते हो, नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो ब्राइट होगा क्योंकि यहाँ के लोग उसको ब्राइट करेंगे, और आपको पाकिस्तान का इकोनॉमिक्स ईरान से जुड़ने से नहीं बनेगा, पाकिस्तान का इकोनॉमिक्स अफगानिस्तान से जुड़ने से नहीं बनेगा। पाकिस्तान का इकोनॉमिक्स तभी सुधरेगा जब वो अपनी मां से जुड़ेगा। अरे भाई दो देश रह सकते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि हिंदुस्तान को भी इस्लामिक बना दे? जो आपके पास है उसको इस्लामिक ढंग से चलाओ ना पहले यार। तो और वो भी नहीं चला रहे हो, वहां भी आप, अल्लाह ने कहा है कि मुझे दो तरह के लोग नहीं पसंद है, एक शिर्क करने वाले और दूसरे मुनाफिक। आपसे बड़ा मुनाफिक कौन है? आपने लिखा इस्लामिक जमहूरिया, जहां इस्लाम होगा वहां जमहूरिया कैसे आ जाएगा? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान जो है ये मुनाफिकत है, क्योंकि आपको फिर इस्लाम के ऊपर भरोसा नहीं है। इस्लाम अगर न्याय का नाम है, अगर अगर न्याय को क्या कहते हैं, इंसाफ का नाम है, तो जब आपने इस्लाम लगा दिया तो वहां तो इंसाफ ही होना चाहिए। अब तो इंसाफ के अलावा कोई जगह ही नहीं बचती है, क्योंकि मुकम्मल कर दिया है दीन अल्लाह ताला ने। फिर आप अल्लाह ताला को भी मूर्ख बनाते हो, जब अल्लाह ताला ने आपको एक रास्ता दे दिया उस रास्ते पे चलो ना यार। फिर डेमोक्रेसी भी चाहिए, रूल ऑफ लॉ भी चाहिए, रियासत मदीना में रूल ऑफ लॉ लग जाएगा। रूल ऑफ लॉ मैन मेड लॉ होता है, रियासत मदीना में तो शरीयी लॉ लगेगा ना यार, तब ना रियासत मदीना बनेगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शरीयी लॉ दिया था ना कि तुम पार्लियामेंट्री लॉ लेके लगाओगे। तो मुनाफकत की हद है, आपका समाज इतनी मुनाफकत कर चुका है कि उसने इस्लाम का मतलब लोगों से नफरत करना सीख लिया है। उसको यहूदी से नफरत है, उसको हिंदुओं से नफरत है, उसको सबसे नफरत है। तो नफरतों को वो जो है वो पालने को वो जो है वो अपनी सच्चाई समझता है, और ये उसकी गलती नहीं है, उस बेचारे की गलती नहीं है। उसको तो उस प्रेशर कुकर में इसलिए रखा है क्योंकि उस प्रेशर कुकर के नीचे जो आग जल रहा है उसका नाम है टू नेशन थ्योरी। जब तक कोर्स करेक्शन नहीं कीजिएगा, रिविजिट नहीं कीजिएगा, आज आप $2 बिलियन के लिए रोए हैं, अगले साल या उसके अगले साल आप लिख लीजिए, मुझे बुलाइएगा, आप $5 बिलियन के लिए रो रहे होंगे। क्योंकि ये जो पैसा आएगा इससे वेल्थ नहीं जनरेट होगा महविश, ये पैसे से उधार चुकाए जाएंगे। तो पढ़ना लिखना कोई नहीं चाहता आपके यहां, आई मीन ओरिजिनल पढ़ना लिखना, जो किताबें आपने लिख दी हैं उसी को पढ़ के एग्जाम। आप एक 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 ऐसी मशीन बनाई है आपने जिसमें आप नफरतों का बीज डालते हो, उधर से नफरत का जो है वो प्रोडक्ट निकलता है, और आप उसको समझते हो कि ये ही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और आप अनफॉर्चुनेटली अपने दीन के भी बुराई करते हो, क्योंकि भाई अगर इस्लाम से
मोदी जी को नफरत होता तो शेख अल बिन नाहियन जायद उनको कैसे गले लगा लेते। अल सीसी जो है इजिप्ट के जो सबसे बड़े वो है प्राइम मिनिस्टर, वो तो मोदी जी को एयरपोर्ट पे गले लग रिसीव करने गए थे। आपको मोदी से नफरत है? क्या किया मोदी ने पाकिस्तान का? मोदी का तो पाकिस्तान से कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं है भाई, वो तो बल्कि उनके घर चला गया था, क्या नाम है, मोदी जी उनके घर चले गए थे, वो जो आपके शाबाश नवाज शरीफ साहब के शादी के घर में। क्या किया उसने? एक कोई नुकसान किया जो उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट में किया हो? क्यों मोदी जो है वो दुश्मन है आपका? भारत अपनी, आपको अगर ये बात नहीं समझ में आता है तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा, भारत की इतिहास में ये जो 600-700 साल चले जिसपे हमें बाहर से लोगों ने आके मारा, वो हमारा इतिहास नहीं है, वो हमारी आइडेंटिटी का इतिहास नहीं है, वो हमारे बुरे वक्त का इतिहास है। हम अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करेंगे, कल्चर को प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि हमारा हेरिटेज कहता है कि तमिल, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, उड़िया सब लैंग्वेज रह सकता है। लेकिन क्या आपके यहाँ सब लैंग्वेज रह सकता है? जब आपने पाकिस्तान बनाया तो क्या आपने भारतीय लैंग्वेजेस का सम्मान किया? आप पंजाब में रहती हैं, आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आपके स्कूलों में पंजाबी पढ़ाई जाती है? क्या सिंधुओं को, सिंधियों को सिंधु पढ़ाने के लिए आप इनकरेज करते हैं? बलूच भाषा को क्या आपने प्रोटेक्ट किया? क्या पश्तो भाषा को प्रोटेक्ट किया? क्या दारी भाषा को प्रोटेक्ट किया? सरायकी को प्रोटेक्ट किया? भाषाओं के कत्ल को ही जिनोसाइड कहते हैं। आप जिनोसाइड कर रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है आपके साथ। आप जिसको हिंदू कह के गाली देते हो, खुद को गाली दे रहे होते हैं, क्योंकि हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं है। और आप किसी के भगवान को तो गाली दे नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने वर्जित किया है कि झूठा भी हो तो गाली मत दो, और सच्चा है तो बोल ही नहीं सकते आप। तो अगर आप कर रहे हो, गाली दे रहे हो, अपमान कर रहे हो, तो फिर तो आप अल्लाह की बात का ही मान नहीं रख रहे। ऐसा ही है सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये रिलीजन के एथिक्स नहीं है, चाहे मजहब कोई भी हो ये नहीं सिखाता, मगर बहुत गलत तरीके से इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, बहुत गलत तरीके से लोग इसको लेके चल रहे हैं। और उससे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने है, अभी करंटली जो 150 इयर्स अगो मंदिर, इतना पुराना 150 साल पुराना मंदिर, अब उसकी खबरें सामने आ रही है कि उसको डिमोलिश किया गया। उसमें बहुत सारी और ऐसी चीजें भी सामने आई हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कि मे बी वो जगह ऑलरेडी गवर्नमेंट की थी, या वो रन अप में नहीं था, या इस तरह के कुछ सिनेरियोस। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वहाँ पे जो कम्युनिटी अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, जो कम्युनिटी वहाँ पे खड़े होके अपने राइट्स के लिए लड़ रही है, उनको आगे क्या स्टेप लेना चाहिए बीइंग एन इंडियन? क्योंकि इंडिया से भी बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेजेस आए, कॉमेंट्स आए कि आपको उस मंदिर के रेलेवेंट जो है कवरेज की अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रही है कि वो क्यों गिराया गया, पाकिस्तानी हुकूमत इतनी चुप क्यों है, क्या राय रखते हैं उसके बारे में? पाकिस्तानी हुकूमत तो खैर कुछ बोल नहीं सकती, उनके पास पावर तो है नहीं, वो तो नाम निहाद की है हुकूमत है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ बुराई हो जाए, कुछ कमियां हो जाए तो गाली देने के लिए कोई तो हो ना। तो आप पाकिस्तान को तीन चीज़ें चलाती हैं, तो दो चीज़ें तो आउट ऑफ क्रिटिसिज्म है, तो तीसरी चीज़ जिसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं वो गवर्नमेंट है, बेचारे पॉलिटिशियन लोग हैं, इनको बनाया ही गया है आपके यहाँ इसलिए कि जितनी आपकी फेलियर्स हों, जितनी बुराइयां उन बेचारों पे डाल दीजिए, ये पॉलिटिशियन चोर है, पाकिस्तान क्यों नहीं काम कर रहा है, हमारे हुक्मरान चोर है। अच्छा पाकिस्तान में ये आतंकवाद क्यों आ रहा है, हुक्मरान चोर है, और हर आदमी ओसामा बिन लादेन का फैन है, सबके घर में ओसामा बिन लादेन टंगे हुए हैं, लेकिन चोर हुक्मरान है इसलिए हो रहा है, समझ रही हैं? तो मंदिर से क्या, जिस जो कम्युनिटी आप उस डाल पे बैठे हुए शख्स हो जो जिस डाल पे बैठा है उसको काट रहा है, 150 साल पुराना वो इंडिया का मंदिर है, वो इंडिया के इलाके में पड़ता है, वो पाकिस्तान का मंदिर है, वो वहां के लोगों का मंदिर है, वो आपके दादाओं परदादाओं ने बनी था, यूपी से जाके किसी ने बनाया था क्या उसको? वहां के लोकल लोगों ने बनाया था उसको। वो सिंधी तो बार बार कहते हैं हम तो 10,000 साल से सिंधी है। तो आपको चूंकि डाइवर्सिटी, प्लूरालिटी, मॉडर्निटी, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी हर आइडेंटिटी को मिटाना चाहते हो,
आप हिंदुओं का मंदिर नहीं तोड़ दो, आप अपनी आइडेंटिटी के जड़ों को खोद रहे हैं। और जब ये सब जड़ें मिट जाएंगी, हिंदू नहीं मिटेंगे, आप मिट जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा आपको, ना अरब ना चाइना। भाई आपको इतने पैसे की जरूरत थी ना, इतना पैसे की जरूरत थी, 57 मुस्लिम ममालिक हैं, एक ने दिया आपको 1 रुपए। आपका पासपोर्ट दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट है, क्यों? क्योंकि आपको लोग अपने घरों में घुसने नहीं देते। जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो भी आपको वीजा नहीं देते, आपको पता है? तो फिर काहे का मुस्लिम ममालिक? आपने जो आपको अपना भाई मानता है आप उनको थूकते हो, वो कहते हो ना हमें भाई मत बोलो, भाई हम अलग हो गए तुमसे, तुम भाई भाई मत हो ना। और जो आपके ऊपर थूकता है आप उसको अपना भाई मानो, पड़े भाई तू ही है भाई, बिरादर हो भाई, बिरादर मुल्क, बिरादर मुल्क। तो एक डिसिल्यूजनड, डिसक्रेडिटेड, डिसहार्टेंड और जिसे कह लीजिए बोरोइंग ग्लोरी में जीने वाले कम्युनिटी का नाम पाकिस्तान हो गया। अगर सच्चाई को फेस करना है आपके यहाँ पे, कोई एक अचीवमेंट बताइए पाकिस्तान के